तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू हैप्लॉइड हाइफा कम टुगेदर एंड फ्यूज इन सम फंजाई फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स इन सम फंजाई जो डिप्लॉइड होने का प्रोसीजर है दैट टेक्स सम टाइम See, I'm sorry, actually there was a problem in the mouse. In ascomycetes and basidiomycetes, a dikaryotic stage or a dikaryotic phase occurs. Such condition is called dikaryon. Dikaryon is a phase in which there are two nuclei. ठीक है? कई fungi में क्या होता है कि साथ के साथ ही जो cell है वो diploid हो जाता है. कई fungi में क्या होता है dikaryon stage हो जाती है. ठीक है? Later तो क्या है? Some time के बाद वो फिर से क्या कर जाते हैं? वो fuse कर जाते हैं and forms a diploid organism. Fungi form fruiting bodies in which reduction division occurs, leading to the formation of haploid spores. अब ये जो fruiting bodies बन गए हैं, देखो, एक बार क्या हुआ? First of all क्या हुई हमारी mating type, positive mating type and negative mating type जो है, वो meet कर गए, उनकी plasmogamy हो गई and उनकी karyogamy हो गई. उन्होंने क्या बनाया फिर? उन्होंने फिर से एक बसीडियो कार्ब बना लिया या एस्को कार्ब बना लिया व्हाटएवर. उसके बाद इन्होंने फिर से हाइफा बना लिए, इन्होंने फिर से स्पोर बना लिए, स्पोर जर्मिनेट करके हाइफा में कन्वर्ट हो गए, हाइफा न्यूक्लियस बना लिया एंड बसीडियम बना लिया. ठीक है, बसीडियम में बेसिकली आपको बताया है कि बसीडियम आर द हाइफा जो क्या करते हैं, मीट करते हैं, मेट करके मीट करके Then mycelial hyphae form करते हैं. एक मिनट इसको दोबारा से क्लियर करके बताती हूँ. See, हमने कहाँ से पढ़ना शुरू किया? यहाँ से. Positive mating type and negative mating type. इन दोनों ने क्या कर लिया? इन दोनों ने fuse कर लिया. आपको और डिटेल में इसको zoom करके दिखाना पड़ेगा. देखो, this is the positive mating type and this is the negative mating type. ठीक है? उन्होंने क्या बना लिए? हाइफा बना लिए. अब ये हाइफा क्या करेंगे? प्लाज्मोगैमी करेंगे. ठीक है? प्लाज्मोगैमी होने के बाद क्या होगा? वो फिर से ये ग्रो करना शुरू कर देंगे. डायकैरियोटिक स्टेज आ गई हमारी. डायकैरियोटिक के बाद फ्यूजन करने के बाद ये फुल ऑर्गेनिज्म बना ली. अब ये चीज आई कहां से? मतलब कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे. ओके, अब ये चीज आई कहां से? दिस इज द फुली डिवेलप माइसीलियम विद द हेल्प ऑफ फ्रूटिंग बॉडी. ये जो है ये फुली डिवेलप क्या है? एक फंजाई है जिसमें फ्रूटिंग बॉडी. उस फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर में से स्पोर्स निकलेंगे. ये स्पोर्स बेसीडियम में डिवेलप होंगे एंड जो बेसीडियम में होता है बेसिकली वो क्या होता है? डायकैरियन स्टेज होता है. फिर ये न्यूक्लियस में जाएंगे, ये फ्यूज कर जाएंगे एंड इट विल फॉर्म अ बेसीडियम. बेसीडियम मेटिंग हाइफा बनाएंगे. ओके, आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू.